मानना है कि बहुत लोग इसके पीछे हैं, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो इनडायरेक्टली इसके सपोर्ट में थे। पिछले 1.5 साल से वी आर वर्किंग ऑन इट और आज जाके ये कंप्लीट हुआ है। विनर तो एक ही है ऑब्वियसली, लेकिन जिस तरीके की ट्रेनिंग लड़कियों को मिली है और जो अपॉर्चुनिटीज उनको आगे मिलने वाली है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा आगे लेके जाने वाली है। निखिल जी, आपका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा इस कार्यक्रम का? सर, मेरा अगर मेरी बात करें तो कहीं ना कहीं शुरुआत आइडिया से होती है, तो आइडियोलॉजी हमारी थी और उसके बाद फिर स्पॉन्सर्स, मार्केटिंग, फिर लड़कियों का ऑडिशंस, उसके बाद फिर ये फिनाले। सो अपने आप में फिनाले आज हमने आप सब ने देखा कि किस तरीके से भीड़ थी और किस तरीके से लड़कियों को सपोर्ट मिला। एंड आई थिंक कि हर किसी का अपना रोल होता है। आगे क्या प्लान है? आगे की प्लानिंग बहुत अच्छी है हमारी, अब इन्हीं लड़कियों को लेके, क्योंकि अब इन लड़कियों को सिर्फ क्राउन देना ही हमारा मकसद नहीं है, इनको काम देना भी हमारा मकसद है। ईवा का मतलब सिर्फ क्राउन के नहीं है, ईवा का मतलब है काम। सो अब नेक्स्ट विद इन 4 मंथ्स वी आर गोइंग टू लॉन्च और वी आर कमिंग अप विद आर फैशन वीक, जिसमें इन्हीं लड़कियों को काम दिया जाएगा, इन्हीं के साथ हम उसकी शुरुआत करेंगे। एंड आई होप वो भी इसी ही तरह ग्रैंड हो और बहुत अच्छा हो।